हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आदेश दिया कि मुझे हर हालत के अंदर यहाँ पर आना है। मैं थोड़ा लेट हो गया आने के अंदर, लेकिन अब के हिसाब से जब उनको सही टाइम हो गया, दो ढाई घंटे से यहाँ महाराज साहब तो पास का है, उनका 9 बजे से पहले आपको नहीं जाना, बहुत अच्छा लगा। अभी हमारे जयपुर चैनल वाले पूछ रहे थे कि हनुमान जी कार्यक्रम आपको कैसा लगा। बाड़मेर की धरती के अंदर मानो शंकर भगवान खुद उपस्थित होके आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो कलयुग के अंदर पाप बढ़ रहा है, दूसरी तरफ धर्म के प्रति भी लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। एक जमाना था जब लोग बहुत कम संख्या के अंदर पैदल मंदिरों में जाया करते थे, चाहे रामदेवला का मेला हो, सालासर बालाजी का हो, लेकिन आज लाखों की तादाद में लोग अपने परिजनों के साथ, परिवार के साथ पैदल यात्रा करके धर्म के प्रति जिस तरह महत्व को समझ रहे हैं और जिस तरह गाय की सेवा का बीड़ा लोगों ने उठाया। अभी जब लंपी की बीमारी आई, सरकारें फैल रही, गौ माता दम तोड़ रही थी, लेकिन भामा सा आगे आए, भगवान की कृपा हुई, लोक देवताओं की कृपा से बहुत बड़ा नुकसान होने के बावजूद गौ माता हमारी बची। और मैं धन्यवाद दूंगा उन तमाम भामाशाओं को, और जिस धरती बाड़मेर में मैं खड़ा हूं, बाड़मेर जालोर ये वो इलाके हैं जिन्होंने हमेशा संघर्ष किया। आज तो बाड़मेर में तेल निकल गया। एक जमाना था कि बाड़मेर के अंदर पानी की कीमत 20 से ज्यादा थी, और मारवाड़ जिस धरती से मैं नागौर से आता हूं, नागौर और बाड़मेर में कोई अंतर नहीं, लेकिन आज तेल निकलने के बाद बाड़मेर की तरफ पूरी दुनिया दौड़ रही है, फिर भी सरकारें बाड़मेर का ध्यान नहीं दे रही है। रिफाइनरी आर्थिक की भेंट चढ़ गई, ये रिफाइनरी बहुत पहले चालू हो जाती तो हजारों करोड़ रुपए का राजस्व हमारी राजस्थान की सरकार को मिलता, वो पैसा आपके ऊपर खर्च होता, वो पैसा गुजरात जा रहा है। आपसी झगड़े के अंदर, कांग्रेस भाजपा के झगड़े के अंदर रिफाइनरी अटक गई थी। भाइयों, आपको चिंता करनी होगी, अब नए राजस्थान मैं कह रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं, रोज पेपर लीक हो रहे हैं, रोज अपराध बढ़ रहा है, किसान कर्ज के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है, जवान बेरोजगार से चंगा कर आत्महत्या कर रहा है, सुबह घर से जाएगा वो वापस आएगा या नहीं आएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। हमारी बहन बेटे सुरक्षित नहीं, वो माता सुरक्षित नहीं, धर्म सुरक्षित नहीं, कौन हमें बचाएगा? आप खुद को ही उठ के विचार करना होगा। और ऐसे तमाम नेताओं को जो वोट लेने के बाद आपकी चिंता नहीं करते, वोट लेने के बाद वो उन लोगों की चिंता नहीं करते जो बूथ पर उनके लिए लड़ते हैं, वो चिंता अपने परिवार की करते हैं, खुद के बिजनेस की करते हैं। ऐसे नेताओं को घर भेजने का काम आपको राजस्थान के अंदर करना होगा, तब जाके नए राजस्थान का निर्माण होगा। मेरे जैसे लोग कम मिलेंगे आपको लड़ने वाले। जिस व्यक्ति ने जवानी के अंदर सत्ता को ठोकर मारी और सत्ता मेरे आगे पीछे रही, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने पढ़ लिया कि मैं जब तक राजस्थान को बदल नहीं देता, राजस्थान की तस्वीर नहीं बदल देता, राजस्थान के नौजवान और किसान की तकदीर नहीं बदल देता, मैं साधु संतों के आशीर्वाद से इसी तरह राजस्थान के अंदर संघर्ष करता रहूंगा। जब मैं लोकसभा के अंदर चुन के गया था
हम उत्तर प्रदेश और बिहार के सांसद कहा करते थे कि आपके राजस्थान के लोग तो कोई नई पार्टी बनाकर लड़ नहीं सकते, एक बार कांग्रेस को वोट डालते हैं, एक बार बीजेपी को देते हैं, खुद की कोई पार्टी नहीं। मैंने पार्टी भी बनाई, प्रयास भी किया और लंबा समय लगता है एक व्यक्ति को लड़ाई लड़ते 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 जाने के अंदर, 18 के अंदर पार्टी बनाकर। जब मैं चुनाव के अंदर उतरा था आप इसी सीट से सिवाना से 20,000 वोट 57 जी को दिए लोगों ने, वो तो उनका चुनाव चिन्ह था और 57 जगह प्रत्याशी लड़ाई राजस्थान के अंदर और प्रत्येक जाति का प्रत्याशी था। लोग अरमान मेरे वहां पर जातिवाद का आरोप लगाते, लेकिन मैं सर्व समाज के लिए लड़ता हूं, किसान के लिए लड़ता हूं, जवान के लिए लड़ता हूं। जब देश का किसान तकलीफ पर था तो मोदी की सत्ता छोड़कर सड़क पर कोई आया, नागौर का सांसद था जो सत्ता छोड़कर सड़क पर बैठा। और जब सेना को ठेके पर जाने की बात चली अग्निपथ के खिलाफ, अगर देश में किसी ने पीड़ा उठाया सेना के जज्बे और मेरे छोटे भाई नौजवानों की पीड़ा को किसी ने समझा तो नागौर के सांसद ने अग्निपथ योजना को वापस लेके और नौजवानों को सही रास्ता दिखाने की बात की। भाइयों, आज हमारे हमारे महाराज जी का यहां गुरुकुल बनने का संकल्प है, मैं तो आप ही करते हैं, मैं तो रेडी बैठा हूं, जो भी आप चाहेंगे। गुरु जी, मेरी तरफ से तो जो भी आप कहेंगे मुझे बता देना, मैं पूरा मेरी तरफ से गुरुकुल के लिए 10 लाख के एमपी कोटे से देने की घोषणा करता हूं। और भी क्योंकि और भी जो मैं व्यवस्था कर सकूंगा मुझे बता देंगे। मैं तो ये चाहता हूं अब हमें अगर कोई बचा सकता है तो ये गुरु जी नहीं बचा सकते, नेताओं को मार दे खड्डे में पकड़ के हमारे को ले जा सकते हैं। गुरुओं से ही उम्मीद है कि गुरु हमें मार्ग सही बताएगा, रास्ता सही बताएगा और इनके के अनुसार हमें चलना है। देखिए जिस तरह की व्यवस्था चल रही है, आज स्कूल से लेकर दिमाग से शुरुआत करते हैं तब से लेकर जो पाठ हमें पढ़ाया गया था उस पाठ में कहीं ना कहीं कमी सामने आ रही है। यह राजस्थान जहां अपराध नहीं हुआ करता था, इस बार मेरे नागौर का मैं किस्सा बता दूं कि गांव के अंदर जब कोई अपनी बहन बेटी को लेने के लिए जाता था तो पड़ोस का जाट और राजपूत ये कहता था, भैया आप अपनी बेटी को लेने जा रहे हो, मेरी बेटी भी गांव में आप आते हुए ले जाना, उसको भी लाते हुए आते हुए लेना, फिर लेना। खुद की बेटी, गांव का हर आदमी हर जाति की बेटी को अपनी बेटी मानता था, तो अब क्या स्थिति होगी राजस्थान का बताया मुझे, कौन सी बेटा है उसके लिए एक दूसरे का, तो विश्वास हमने खोया है, कहीं कहीं कमी खाने आ रही है, हमें वापस भरोसा जीतना होगा। और ये काम कौन कर सकता है, गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर चल के नौजवान ये बदलाव कर सकता है। और नौजवानों के अंदर वो ताकत है, हर क्रांति के नायक नौजवान थे हनुमान बेनीवाल, राजस्थान के नौजवानों से अपील करता है कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहकर हमें इस देश के अंदर राजस्थान का डंका बजाना है। भाई हिंदुस्तान विश्व गुरु बने और राजस्थान इस हिंदुस्तान के अग्रणी राज्य कैसे बने, ये काम आपको करना है। गाय की सेवा के साथ साथ गरीब की सेवा भी करनी है। जो सक्षम जातियां हैं, आज हम सक्षम जातियों से आता है क्या राजकीय गुजर मीणा, इन तमाम जातियों को श्रीलंका से हमारे भाइयों को पिछड़े हुए भाइयों को भी साथ लेके चलना है। अकेले हमने तो सत्ता के अंदर आ सकते हैं और उन्हें सत्ता के अंदर आके कुछ कर सकते हैं, ये हमारी ड्यूटी बनती है। जिन तमाम लोगों को, गरीब लोगों को अन्याय नहीं करें, उनको साथ लेके चले, उनको न्याय का रास्ता दिखाएं। मेरे पे लोग बहुत आरोप लगाते रहते हैं लेकिन मेरी असली जिंदगी को अगर कोई जानता है उसको लगेगा हनुमान नेता नहीं हमारा भाई है, ये मदद करता है और इसमें नेता वाला बिल्कुल आपको नहीं लगेगा। और इसलिए लोग रात को इंतजार करते हैं। और बाड़मेर के अंदर मैंने पहले भी कहा था, इस बाड़मेर से मेरा पूर्व जन्म का रिश्ता है, मैं बार बार बाड़मेर आता हूं और जब भी मैं बाड़मेर आता हूं तो बाड़मेर के नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, मेहमान बाड़मेर में क्या कर रहा है। जो चुनाव साल है मुझे तो पूरी उम्मीद है बाड़मेर से, पूरे देश के अंदर बात चलती है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत है तो मारवाड़ के अंदर शेखावाटी अंतर के अंदर मुझे पूरा भरोसा, इस बार बाड़मेर मेरा बदलाव करेगा। बाड़मेर से
जिस क्रांति की शुरुआत हुई थी, बाड़मेर के नौजवानों ने, किसानों ने मुझे नई ऊर्जा दी, पुकार रैली के माध्यम से देश को जगाया और कर्ज मुक्त किसान की बात अगर कहीं से चली तो नागौर से लेकर जब बाड़मेर में पुकार रैली हुई तो देश में कर्ज मुक्त किसान की बात चली। भाइयों, इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि बजरी जिस तरह खेतों जा रही है, टोल आपको देना पड़ रहा है, कानून का राज नहीं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मैं बजरी की दरें भी कम कराऊंगा पूरे राजस्थान के अंदर, समय लग सकता है, आगामी दिनों के बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर होंगे। और बिजली, टोल, रोजगार, अरे हमारी जो बेटियां बैठी है, बहने बैठी है, ये भी बात करती है कि स्कूल खुलाओ, कॉलेज खुलाओ, ये सही है, हम बहुत पीछे रह गए, लेकिन आने वाला समय आपका है, इतना भरोसा मैं दिला सकता हूं। जब गुरु जी ने शुरुआत करी और इस प्रांगण के अंदर आके ऐसा लग रहा है कि जैसे सतयुग का वास हो रहा है, सतयुग के अंदर बैठे और शंकराचार्य जी का पदार्पण हुआ और उनके दर्शन का लाभ मुझे भी मिला। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जो नेता यहां नहीं आएंगे वो निश्चित रूप से आशीर्वाद उनको जो मिलना वो नहीं मिलेगा। तमाम उन नेताओं को जिनको गुरु जी ने आमंत्रित किया है, यहाँ कल और परसों दो दिन बचे, सबको आके और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। मैं गुरु जी को इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, आप जवान हैं, ऊर्जावान हैं और बाड़मेर की धरती में बहुत से गुरुजन इस देश को दिए, ये हमारी संस्कृति को बचा कर खड़ा है बाड़मेर। ये वो जिले हैं, एक तरफ पाकिस्तान खड़ा है फिर भी चिंता नहीं करते, हिम्मत वाले हैं और पाकिस्तान से लड़ने के लिए हर समय तैयार रहते हैं बाड़मेर के लोग, जो पूरे सीमावर्ती इलाका है। और हमारी माताएं हैं, सोशल मीडिया के अंदर अगर देखें तो सबसे ज्यादा अगर कोई एक्टिव जिला है तो बाड़मेर का जवान सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के अंदर। मैं आह्वान करूंगा कि जातीय भेद को हमें खत्म करना, कौन खत्म करेगा, हम खत्म करेंगे, कैसे करेंगे, सही बात को सही तरीके से पेश करना है और गलत बात को, बदमाश, माफिया और गैंगस्टर किसी का आइकन नहीं होना चाहिए, अपराधी किसी का आइकन नहीं होना चाहिए। अगर ये बात अपन तय कर लेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपका, मैं इतना ही भरोसा दिलाता हूं, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा, नए राजस्थान का निर्माण करूंगा और साधु संतों के दिखाए हुए रास्ते पे आदर्श स्थापित करके आप सबको साथ लेकर चलूंगा, सब समाज को साथ लेकर चलूंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद अच्छे कार्य के लिए।